Kidding. आपने ऑलरेडी आईपीसीसी लेवल में अमलगमेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। एक्सटर्नल और इंटरनल इस टाइप के दो इसमें अपन इसको क्लासिफाई कर सकते, डिवाइड कर सकते। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब आप अपने कंपनी के इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट और फाइनेंसिंग यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपका ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आप इसके एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ मेजर चेंजेस कर रहे हो जिसका कि इफेक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके कैश फ्लो पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चर। अब उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल में एक हो जाता है आपका अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये टाइप की। दूसरा डीमर्जर, एसेट स्वैप या बिजनेस एक्वायर करना, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, तीसरा इसमें जैसे बायबैक ऑफ शेयर करके कैपिटल को सिग्निफिकेंटली चेंज करना, रिडम्पशन करना, इस टाइप की केस। इंटरनल में अपन दो टाइप से बोल सकते हैं, एक जहां पे आपकी प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्शन की प्रोसेस वगैरह में सिग्निफिकेंट कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो मतलब ये इंटरनली आपने चेंज कर दिया अपने प्रोडक्ट लाइन, ये प्रोडक्ट को बंद कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट एडॉप्ट किया, इस टाइप के चेंजेस, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बदल दिया या ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल अभी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से चलता है, एक जगह से सब कंट्रोल करते हो, तो आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइज था सेंट्रलाइज कर दिया, या आपके मैनेजमेंट के पांच लेयर थे तो पांच लेयर में से कोई दो लेयर को क्लब कर दिया, कोई दो लेयर को क्लब कर दिया, और ऐसे आप पांच लेयर के ऑर्गेनाइजेशन को तीन लेयर में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप की चेंजेस को बोलेंगे कि ये इंटरनल नेचर का रिस्ट्रक्चरिंग है। अब अपने को ये पढ़ने जैसा नहीं है, थ्योरेटिकल है, ये आपको किताबों में स्टडी मोड में मिल जाएगा, उससे पढ़ने का, इसमें कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं, ये पार्ट अपने को पढ़ना है। इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इतना ही है कि आईपीसीसी लेवल में आपको इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग इन्वॉल्व वाले प्रॉब्लम कोर्स में नहीं थे, अब यहां पर वो भी रहेंगे, उसको छोड़ के बाकी आपने सब पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, बट इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां मर्ज कर रहे यानी दो को मिला के बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे। यहां पे वो बोलते हैं ना, कहावत सुने होंगे सफेद हाथी, तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाता है कि वो बड़ा साइज नुकसान कारक लगने लगता है, उसके डिसएडवांटेजेस शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, वो जो बड़ा साइज का ऑर्गेनाइजेशन बन गया उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, डीमर्ज कर रहे हैं। तो यहां पे हम मर्ज करके बड़ा बना रहे और यहां पर उसको डीमर्ज करके छोटा कर रहे हैं। ये तो बायबैक वगैरह आपको मालूम ही है, रिडम्पशन वगैरह आपने पढ़ा भी है आपके आईपीसीसी लेवल में, बायबैक भी उस लेवल में पढ़ा हुआ है। ये अपने को स्टडी करना है, आपके क्वेश्चंस में सब टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिफरेंट वैरायटी के, और सभी अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये अमलगमेशन की बात करेंगे।
अब अमलगमेशन में आपको आइडिया है कि आपकी ये कंपनी है ए लिमिटेड, यह है बी लिमिटेड, इसको मिला करके आपने बनाया एक न्यू कंपनी सी लिमिटेड, इसको कॉमनली अपन अमलगमेशन नाम से कॉल करते हैं। यह आपकी मान लीजिए एल लिमिटेड है, ये एम लिमिटेड है, एल को एम में मिला दिया तो इसका मतलब एल खत्म हो जाएगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन कंपनी एम रह जाएगा, या आपने एम को एल में मिला दिया तो एम खत्म हो जाएगा एल रह जाएगा, तो दो में से कोई एक को आप दूसरे में मर, इसी को बोलते हैं ऐसे है। उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया आपने में मिला लिया, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं अमलगमेशन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 ऑन अमलगमेशन अकाउंटिंग, तो AS 14 के डेफिनेशन के हिसाब से दोनों को ही अमलगमेशन बोला जाता है, तो ये दोनों ही केसेस आपके AS 14 में कवर्ड है। अभी आपकी एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसको आपने न्यू एक्स लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, नाम कुछ और भी रख सकते हैं, न्यू एक्स लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, नाम कुछ और भी रख सकते हैं, सिर्फ अपन बताने के लिए बोल रहे हैं सेम नाम कि इसमें और कोई ऑर्गेनाइजेशन मर्ज नहीं हुआ है, वही कंपनी है, उसी को आपने दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, न्यू एक्स लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों से इसको कंपेयर करोगे तो इन दोनों में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अपन ने एग्जांपल के लिए दो लिए हैं, सो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, यहां पे दो ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बिजनेस है, उसी को आपने दूसरी बोलते एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। Now, AS 14 का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अमलगमेशन में दो या दो से ज्यादा एंटिटीज मिलते हैं, मर्ज होते हैं, तो इसलिए अमलगमेशन के डेफिनेशन में AS 14 के हिसाब से ये कवर्ड नहीं है। लेकिन जहां तक अकाउंटिंग करने की बात है, जो अकाउंटिंग आप इसके लिए पढ़ोगे वही अकाउंटिंग इसके लिए भी काम में आती है, इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए तीनों में कोई फर्क नहीं है। जो कंपनी बंद हो जाती है इसका मतलब उसने अपना कारोबार बेच दिया, उसको अपन बोलते हैं वेंडर, बेचने वाला, उसने अपना कारोबार दूसरे कंपनी को बेच दिया, और ये जो न्यू कंपनी बची है इसने दूसरे का बिजनेस खरीद लिया, तो इसको हम बोलेंगे परचेसर। अब ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी नहीं है, हमारे पढ़ाने के स्टाइल में एक बात आपको हमेशा दिखेंगी कि हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को यूज करने की बजाय लेमैन्स लैंग्वेज को यूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है, फीलिंग डेवलप होती है, समझ आती है। लेकिन टेक्निकल नाम भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखेगा तो वो तो टेक्निकल नाम ही लिखेगा, तो इसलिए अपने को उसके साथ साथ उसके टेक्निकल नाम को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यूज करते समय अपन वो सिंपल, अभी जैसी बोला वेंडर यानी बेचने वाला, सबको समझता है, आगे की कहानी अपने आप आ जाती कि जब मैं अपना कारोबार बेच रहा हूं तो बट नेचुरल है उसकी कीमत मैं वसूल करूंगा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन किसी का बिजनेस खरीद रहा है, तो जब वो उसका बिजनेस खरीद रहा है तो उसकी कीमत वो चुकाएगा, तो अकाउंटिंग करते समय भी आइडियाज बराबर क्लियर रहती कि किसके बुक्स में क्या होने वाला है। अब इसको बोलेंगे ट्रांसफरर, इसने अपना कारोबार ट्रांसफर कर दिया, ऑफ कोर्स इसमें ये एल लिमिटेड का नाम इधर भी दिख रहा है, पर अपने को समझ में आ जाता है कि एल परचेसर है, मतलब इसमें ट्रांसफरर कौन है, सिर्फ एम, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरी। अब इसको बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी, इसको बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। अब जरा एक टेक्निकल नामों को ध्यान दो आप, तो इनमें जल्दी से ध्यान ही नहीं आता है कि किसको क्या बोल रहे हैं करके, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए टेक्निकल नाम पढ़ो, आपके किताब में भी लिखे मिलेंगे,
लेकिन आपका कॉमन लैंग्वेज के लिए क्या है, ये वेंडर एंड परचेसर। तो हम पढ़ाते समय कॉमनली यही वर्ड यूज करते रहते हैं, ये वेंडर कंपनी यानी ट्रांसफरर, जिसने अपना कारोबार ट्रांसफर कर दिया, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेट हो गई, खत्म हो गई, ये परचेसर या ट्रांसफरी या अमलगमेटेड कंपनी। अब ये कंपनी अपना कारोबार उसको बेच रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो ऑब्वियस है कि ये अपने बिजनेस है ना, क्या बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका मतलब इसने अपने एसेट्स और लायबिलिटी उसको दिए, तो बट नेचुरल उसकी कीमत वसूल करेगा, उसी को आप बोलते हो परचेस कंसिडरेशन। तो ये अपने एसेट लायबिलिटी उसको ट्रांसफर कर रहा है और उसके बदले में उससे कीमत वसूल कर रहा है, जिसको आप बोलते हो परचेस कंसिडरेशन। अब आपकी अकाउंटिंग जो AS 14 बताता है वो वेंडर के बुक्स में AS 14 साइलेंट है, मतलब उसकी अकाउंटिंग के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। उसका रीजन शायद बड़ा सिंपल सा है कि जब ये वेंडर कंपनी ने अपना कारोबार ट्रांसफर कर दिया तो ये वेंडर कंपनी क्लोज हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। तो बट नेचुरल है, जब ये कंपनी क्लोज हो गई मतलब इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी सब कुछ जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, इसका मतलब इसकी अकाउंट बुक तो क्लोज करना। तो जब उसको जीरो ही बनाना है, जब उसको क्लोज ही करना है, तो आप ऐसे एंट्री करके क्लोज करो कि ऐसे एंट्री क्लोज करके क्लोज करो, उसमें करना क्या है, वो तो खत्म ही होना है। इसीलिए शायद AS 14 वेंडर कंपनी की यानी इसकी अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। तो अपन जैसे पार्टनरशिप में भी पढ़ते हैं डिसोल्यूशन, तो उसमें अपन वो पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना के उसके थ्रू पूरी अकाउंटिंग कर देते हैं। बिल्कुल वैसा ही काम आपको यहां पर भी करना है कि आप इसकी बुक्स को क्लोज करना चाहते हो, बराबर, और उसके लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट बना करके अकाउंटिंग करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बना के उसके थ्रू आप इसकी बुक्स को क्लोज कर दो। तो अपन कुछ प्रॉब्लम में इसको देखेंगे, बट इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने और सिखाने वाली बात रहती नहीं है, क्योंकि इसकी बुक्स को क्लोज करना है। थोड़े बहुत आप एंट्री के सिस्टम को, पैटर्न को बदलो भी, तो उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। AS 14 बेसिकली परचेसर की बुक्स की अकाउंटिंग के बारे में बोलता है, ट्रांसफरी के बुक्स के बारे में बोलता है, जिसने बिजनेस एक्वायर किया तो नेचुरल है उसके बुक्स में इंपॉर्टेंस है कि उसने जो एसेट लायबिलिटी लिया, इधर है वेंडर और इधर है परचेसर, ये वेंडर ने अपने एसेट लायबिलिटी इसको दे दिया, तो इसने अपने बुक्स में कैसे अकाउंट करना चाहिए, उसकी कीमत को कैसे अकाउंट करना चाहिए, इसके लिए उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो AS 14 परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अमलगमेशन को फिर से दो टाइप में डिवाइड करता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। उसके लिए AS 14 पांच कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है देन इट इज ट्रीटेड एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है, फिट नहीं बैठती है, तो उसको बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। तो इसका मतलब वो पांच कंडीशन, यानी लॉ जैसी चीज नहीं है कि आपने अगर वायलेट किया तो आपको पनिशमेंट होगा करके, वो पांच कंडीशन सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ये दो डेफिनेशन के लिए काम किए कि वेदर अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर और वेदर अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस। वो पांचों कंडीशन में से नंबर वन, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड बाय दिस पार्टी टू दिस पार्टी, नंबर वन। नंबर टू, इसके एसेट और लायबिलिटी को ये बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफर कर रही होंगी तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, बट अदरवाइज उसकी वैल्यू बदलना नहीं है। नंबर थ्री, ऑल और एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर शुड एग्री टू द स्कीम। तो इसके कम से कम 90% शेयर होल्डर जो है वो स्कीम को एग्री करना चाहिए, 100% एग्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम 90%। देन जो कंसिडरेशन पे करेगी इसको, तो वो जो कंसिडरेशन पे करेगी इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी के बदले में इक्विटी देना है। उसमें भी छोटा सा एक्सेप्शन अलाउड है कि फॉर फ्रैक्शनल कैलकुलेशन,
अपन कोई प्रॉब्लम में देखेंगे तो जहां पे कैलकुलेशन में, क्योंकि शेयर होल्डिंग जो होगी वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होगी, हर एक के पास 25 के मल्टीपल में हो सकते हैं, 50 के मल्टीपल में शेयर हो सकते हैं। अब जब आपने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया तो उसका जो रेशियो आएगा वो हो सकता है एग्जैक्ट नंबर ना क्रिएट करे, कुछ फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कैश और समथिंग एल्स इज अलाउड। बट मेजर कंपोनेंट अगर आपको लगा कि इक्विटी वाले को इक्विटी के बदले में प्रिफरेंस शेयर दे दिया, डिबेंचर दे दिया या कैश दिया, मतलब वो उस कंडीशन को वायलेट कर दिया, तो इक्विटी के बदले में इक्विटी देना। एंड लास्ट कंडीशन कि इसका बिजनेस, ये बिकने वाली कंपनी, इसका बिजनेस ये कंटिन्यू करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम में अपन पहली चार कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं, पांचवी कंडीशन कि इसका बिजनेस ये कंटिन्यू करने वाला है, कि इसके एसेट को डिस्पोज ऑफ करके कुछ नया करने वाला है, अपने को मालूम नहीं रहता है, तो वो कंडीशन को अपन मान के चलने का कि वो फुलफिल हो रही है, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन। बट पहली चार कंडीशन को अपन टेस्ट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम में देख लेने का कि इसके एसेट लाइबिलिटी सब ले रहे हैं कि सिलेक्टिवली ले रहे हैं। नंबर टू, इसके एसेट लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे अकाउंट कर रहा कि वैल्यू बदल रहा। अभी मैं पढ़ाते समय आपको प्रॉब्लम में बहुत सारे इसके वेरिएशन दिखेंगे कि आपको कैसे इंटरप्रिट करना है, तो ये सब अभी बताने जैसा नहीं है, बट प्रॉब्लम जब आएंगे तब बताएंगे। अलग वैल्यू दिया है पर अलग वैल्यू देने के कारण हो सकते हैं, तो डिफरेंट वैल्यू दिया, इसके एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू अलग दिया, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये अलग वैल्यू पे ही अकाउंट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू की जरूरत हमको परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए भी पड़ती है। तो इसका मतलब वो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि इज इट गिवन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन और इज इट गिवन फॉर अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग में वो वैल्यू बदल रहा है तो मर्जर की कंडीशन वायलेट हो गई, बराबर। तो ये अपन जब प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें आपको समझना ज्यादा आसान रहेगा, अभी ऐसा वेग डिस्कशन करने में कोई मतलब नहीं है, तो उसकी बारीकियों पे अभी अपन बात नहीं करेंगे, अभी अपन मोटे मोटे तौर पे क्या है वो देख रहे हैं, फिर जब प्रॉब्लम लेंगे तो उसकी हर एक की बारीकियों पे अपन उस समय डिस्कस करेंगे। तो पहली चार कंडीशन को देख लो, इसके इक्विटी शेयरहोल्डर एग्री हुए दिख रहे हैं और उसके बदले में इक्विटी के बदले में इक्विटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इतनी कंडीशन आपने देख ली है तो इट इज अ केस ऑफ मर्जर, नहीं तो इसको बोलेंगे परचेस। अभी बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो ये कंडीशन को टेस्ट करके डिसाइड करना कि वेदर इट्स अ मर्जर और वेदर इट्स अ परचेस, तो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखा कि आईपीसीसी लेवल के क्वेश्चन में ज्यादातर क्लैरिफाइड नहीं रहता है कि इज इट टू बी अकाउंटेड एज मर्जर और एज परचेस, बट एज कंपेयर टू दैट फाइनल के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली लिखा रहता है अकाउंट इट एज मर्जर और अकाउंट इट एज परचेस, है ना सरप्राइजिंग बात। वो बेचारे आईपीसीसी वाले जूनियर लेवल के, अभी उनको उतना जजमेंट नहीं हो सकता है, तो उनके क्वेश्चन में आप क्लैरिफाई कर दो, उनकी आप सिर्फ ये देखो कि उनको अकाउंटिंग आती कि नहीं आती, पर फाइनल लेवल का स्टूडेंट मैच्योर्ड हो गया, सीनियर हो गया, उसका नॉलेज ज्यादा है, लेट हिम डिसाइड कि भाई ये मर्जर है या परचेज है, वो भी टेस्ट करो आप उसको कि उसने सही क्लासिफिकेशन किया कि नहीं किया। पर आप देखेंगे फाइनल के क्वेश्चन में ज्यादातर जगह लिखा रहता है मर्जर या परचेज, पर आईपीसीसी लेवल में नहीं लिखा रहता है। पर आपको वो चारों कंडीशन को ध्यान में रखे, क्योंकि पांचवी कंडीशन अपने को टेस्ट करने जैसा नहीं रहता है, तो चारों को देख लो, उसके ऊपर से आप डिसाइड करो। मर्जर अगर है तो उसके लिए AS-14 अकाउंटिंग का जो सिस्टम बताता है उसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। डिटेल अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। और परचेस के लिए जो तरीका प्रिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं परचेस मेथड। बहुत सारी जो इंट्रीकेसेस आपको पढ़ने की है वो AS-14 में दी नहीं है, जैसे कि अपन बाद में पढ़ेंगे इंटर कंपनी डेप्ट रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डीलिंग करते थे, तो एक के बुक्स में डेटर है, दूसरे के बुक्स में क्रेडिटर है, जब दोनों मिल जाएंगे तो वो डेटर और क्रेडिटर एक ही बुक्स में आ जाएंगे, एक ही बैलेंस शीट में आ जाएंगे। सिमिलरली इंटर कंपनी स्टॉक, अब इसने इसको बेचा या इसने इसको बेचा, तो इसका मतलब अगर वो गुड्स स्टॉक में बचे हुए हैं तो वो एक जगह आ जाएंगे। सिमिलरली इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल शेयर होल्डिंग,
इसके पास इसके शेयर है या इसके पास इसके शेयर है या दोनों के पास दोनों के शेयर है, तो इन चीजों के बारे में AS 14 में कुछ नहीं दिया है। तो उनको नॉर्मली जिस तरीके से करना चाहिए, नॉर्मल जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो अपन करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। वही चीज़ आपको स्टडी मॉडल में मिलेगी, सजेस्टेड में मिलेगी, किताबों में मिलेगी, वही अपन पढ़ने वाले। बट वो AS 14 में उसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं। अब इसमें से थोड़ा सा अपन परचेस कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। परचेस कंसिडरेशन इज व्हाट इज द प्राइस, कीमत है। एंड छोटी सी बात ध्यान में रखो, आपके बहुत सारे चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ने वाली, शेयर गुडविल वैल्यूएशन वाला चैप्टर, बिजनेस वैल्यूएशन वाला चैप्टर, तो वैल्यूएशन है ना उसकी कीमत निकालना। बेसिक प्रिंसिपल, जो दो पार्टियां इन्वॉल्व है, पार्टी नंबर 1 एंड पार्टी नंबर 2 इन द डीलिंग, ये दो पार्टी आपस में मिलके किसी भी चीज की जो वैल्यू एग्री कर ले, दैट इज द वैल्यू बिटवीन देम और दैट इज द प्राइस। बराबर, तो बेचने वाला और खरीदने वाला जो कीमत एग्री कर ले, दैट इज द परचेस कंसिडरेशन। तो इसके लिए कोई फिक्स रूल या फॉर्मूले वाली बात है ही नहीं। भाई ये चीज मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, अब मैंने और आपने इसको एग्री कर लिए कि भाई ये 50 का है तो 50 का है, बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क पड़ता? मैं और आप इसमें इंटरेस्टेड पार्टी है, मैंने और आपने एग्री कर लिया, अब ये 50 कहां से आया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे को पड़ता ना आपको पड़ता। बराबर, समझ गए? अब ये 50 लोग अगर इसके कैलकुलेशन बताए पर अपन दोनों उसको एग्री नहीं कर रहे, अपन दोनों उसको एग्री नहीं कर रहे, तो फिर क्या काम किया वो कैलकुलेशन? तो ये बेसिक थीम समझो कि कीमत क्या है जो दोनों पार्टी एग्री कर ले। बट अब मैं बेचने वाला हूं तो ऑब्वियस है मैं ज्यादा कीमत में बेचने की कोशिश करूंगा, और आप खरीदने वाले हैं तो ऑब्वियस है आप सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसका जब जस्टिफिकेशन दूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि 50 का, तो आप बोलूंगे नहीं बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो मेरे को कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैंने 50 कैसे निकाला। तो इसीलिए मेथड्स डेवलप होती है फिर उसकी, कि भाई मैं 50 कैसे निकाल रहा, मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आप वो कीमत देने को तैयार होंगे। सिमिलरली आप अगर बोलते कि नहीं भाई मैं 50 नहीं मैं 40 में लूंगा, तो भी आप उसकी कीमत का कुछ तो मेरे को एक्सप्लेनेशन दोगे। तो इससे फिर अलग अलग मेथड्स इवॉल्व होती है, डेवलप होती है। तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स अपन पढ़ेंगे अभी अमलगमेशन वाले चैप्टर में भी और बाद में वैल्यूएशन वाले चैप्टर में भी। पर ये बेसिक थीम ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, वो दोनों मिलकर के जो तरीका अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो अमलगमेशन में आप देखते हो कि जो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन एज पर AS 14, वो भी थोड़ा सा अपने लिए फिर अकाउंटिंग के समय काम में आता है। AS 14 में परचेस कंसिडरेशन डिफाइन किया गया कि परचेस कंसिडरेशन इज वॉट इज गिवन टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ दिस ट्रांसफरर कंपनी। अब वो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है, तो बट नेचुरल उसको तो अपन बदल नहीं सकते। पर आप थोड़ा सा ये वेंडर की बैलेंस शीट दिखाता हूं मैं आपको, ये वेंडर की बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें ये एसेट्स को तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी को ब्रेक करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और ये आपकी बाकी की लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर लोन एक्सेट्रा, ठीक है, क्रेडिटर हो लोन हो ये हो गया। अब मर्जर के केस में कंडीशन ही है कि ऑल एसेट लायबिलिटी आर टेकन ओवर, तो ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, ये एसेट, तो ये पूरे अगर चले गए, जरा ध्यान देने का, ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स को डेवलप कराता है। अकाउंटिंग में जो नहीं सीख सकते हो ये बैलेंस शीट को देख करके सीख सकते हैं आप, बाद में उसको अकाउंटिंग में सिर्फ अप्लाई करना है कि ये और ये, अगर मैं ये कंपनी हूं मैंने ये और ये किसी को बेच दिया तो उसकी जो भी कीमत आएगी वो अल्टीमेटली किसको मिलने वाली है, और ये शेयर होल्डर है। इसका मतलब मर्जर के केस में वो डेफिनेशन फिट बैठता है, बट परचेस में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि पूरे एसेट और लायबिलिटी उसको ट्रांसफर इच करना है। तो अब जरा देखिए, उस कंपनी ने ये एसेट और ये वाले लायबिलिटी लेने को एग्री किया कि भाई आपकी ट्रेड लायबिलिटीज है ये मैं ले लेता हूं पर ये मैं लायबिलिटी नहीं ले रहा हूं। तो ये एसेट और ये लायबिलिटी अगर हमने उसको ट्रांसफर किया तो उससे जो भी कीमत आएगी उसको सबसे पहले तो किसको देना पड़ेगा, इसको, ये लायबिलिटी के नहीं चल रहा, उसके बाद बचा हुआ इनको जाएगा।
बराबर, इसका मतलब उसके पास से जो भी कीमत मिल रही है दैट इज नॉट ओनली फॉर शेयर होल्डर बट दैट इज फॉर डिवेंचर होल्डर एज वेल एज शेयर, तो वो उनके डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठता फिर। तो अगर अपने को उनके डेफिनेशन के हिसाब से चलना है तो फिर अपन क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन के नाम से सिर्फ उतना ही पार्ट बताएंगे जितना इनको दे रहे, इसको अलग से बताएंगे। इसका मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ता, ना अकाउंटिंग में फर्क पड़ता, ना किसी को कोई इफेक्ट में फर्क पड़ता। जो कीमत उधर से आना है वही आना है और जिसको मिलना है उसी को मिलना है, कुछ भी फर्क नहीं है, ना अकाउंटिंग में कोई फर्क पड़ता। सिर्फ वो डेफिनेशन को मैच करने के लिए अगर मान लीजिए कि कीमत डिसाइड हुई कि इनको 10 देना है, इनको 15, इनको 25, यानी टोटल वैसे देखा जाए तो मैं उससे कितना ले रहा हूं, 50, बट मैं AS-14 के डेफिनेशन पे जाऊंगा तो मैं परचेस कंसिडरेशन कितना बताऊंगा, 40-40, और 10 को भी लूंगा उससे, बट वो अलग से बताऊंगा कि दैट इज फॉर डिबेंचर होल्डर। और अल्टरनेटिवली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर को उनको ट्रांसफर किया और उन्होंने उनको ये पे करके सेटल कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो हुआ तो वही ना। परचेसर कंपनी मुझे दे कि मैंने सिर्फ 10 बोला, क्योंकि 10 का कुछ भी हो सकता है, 10 कैश हो सकती है, 10 के शेयर हो सकते हैं, 10 के डिबेंचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो स्कीम में एग्री किया होगा। तो ये परचेसर कंपनी मुझे दे और मैं डिवेंचर होल्डर को देता हूं, तो कोई बोलेगा कि वो डेफिनेशन वायलेट हो गया कि भाई इधर से लिया मतलब परचेस कंसिडरेशन का पार्ट है। अब उसी के बदले अगर मैंने वो डिवेंचर की लायबिलिटी उनको ट्रांसफर किया और उन्होंने वही 10 डिवेंचर होल्डर को दे दिया, तो इसका मतलब मैं उनसे परचेस कंसिडरेशन के तौर पर कितना लूंगा, सिर्फ इतना। तो फर्क क्या पड़े, मेरे डिवेंचर की लायबिलिटी को 10 मिलना था स्कीम में, 10 ही मिला, वो परचेसर कंपनी डायरेक्टली दे दे या मेरे थ्रू दे दे, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से चलना है तो अपन जब अकाउंट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपन इतने पार्ट को परचेस कंसिडरेशन बोलेंगे, इसका कैलकुलेशन अलग रखते जाएंगे और इसको अलग से सेटलमेंट दिखाते जाएंगे, और कुछ नहीं। अब ये परचेस कंसिडरेशन का डेफिनेशन का बात कर लिया, अब कैलकुलेशन की बात जो है, तो परचेस कंसिडरेशन ब्रॉडली तीन तरीके बोल सकते हैं, वैसे तो आपको और भी वैरायटी मिलेगी पर ब्रॉडली तीन तरीके। लमसम फिगर दिया है, एक फिगर दे दिया, इतने में बिजनेस एक्वायर किया, बेचा, या पेमेंट बेसिस पे, पेमेंट बेसिस का मतलब किसको कितना पेमेंट करना है वो दिया है, इक्विटी वालों को इतना देना है, प्रिफरेंस वालों को इतना देना है, इस टाइप से दिया हुआ है। डिबेंचर वालों का भी देगा लेकिन अपन उसको सिर्फ कैलकुलेशन में अलग अलग रखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट बेसिस। तीसरा रहता एसेट बेसिस, हमने उसके कितने एसेट लिए और कितनी लायबिलिटी ली, कितनी वैल्यू पे लिया, तो एसेट माइनस लायबिलिटी वो आ जाएगा आपका परचेस कंसिडरेशन। अब वो परचेस कंसिडरेशन जब कैलकुलेट हुआ तो उसको पे कैसे करना, किस फॉर्म में पे करना, वो भी तो दिया रहेगा, तो उसको बोलेंगे मोड ऑफ पेमेंट। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट तो हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस केस में भी दिया रहेगा, इस केस में भी दिया रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट अलग बात है, पेमेंट बेसिस ऑफ परचेस कंसिडरेशन अलग बात है। डिफरेंस क्या है, जहां आपको लगे कि कितना पेमेंट देना क्वांटिफाइड है, मालूम है कि भी इनको इतना देना है, इनको क्या देना है सिर्फ मालूम है, तो मोड ऑफ पेमेंट हो गया, पर इनको कितना देना है अगर मालूम है, इसका मतलब वो तो पेमेंट क्वांटिफाइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेमेंट बेसिस। क्योंकि अगर पेमेंट बेसिस पे आपको डिटेल दिए हुए हैं तो ये कैलकुलेशन को कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्री कर लिया कि भी इक्विटी शेयर होल्डर को 50 लाख के शेयर देना है तो 50 लाख के देना है, आप इस पे से 55 निकालोगे तो भी परचेसर 55 नहीं देगा, इस पे से 45 निकालोगे तो वेंडर 45 नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीड हो गया है कि 50 देना है। तो इसका मतलब जहां पर पेमेंट बेसिस मालूम है वहां पर यह काम का रहता नहीं।
जहां पेमेंट बेसिस नहीं क्वांटिफाइड है वहां पर ये काम का होगा। फॉर एग्जाम्पल वो दे दे